हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीव के पार्ट 30 को शुरू करते हैं। जेम्स वांग का कॉल आते ही जान ने जितना हो सके उतनी जल्दी गाड़ी भगाई और ईबो को घर पर पहुंचा दिया। दोनों को भी ये डर लग रहा था शायद आज जेम्स वांग कुछ खराब मूड में है। घर पहुँचते ही उन्हें पता चल गया उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। जेम्स वांग आते ही ईबो पर गरज पड़े। शाम 6 बजे ही फेई अपने घर पर पहुंच गई थी, अभी 9 बज रहे हैं। तुम कहां पर थे? मैं थोड़ी देर के लिए घूमने गया था, क्या मुझे इतनी भी परमिशन नहीं है? ईबो ने पूछा। गंदी सी जगह पर खाना खाना, लोगों की नज़र में आना, वेट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करना, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? जेम्स वांग ने चिल्लाते हुए कहा। ईबो शॉक हो गया। उसने कहा, क्या आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं? मैं तो बस ये देख रहा था मेरे दिए हुए पैसों का तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने 5.5 लाख युआन अपने वेडिंग रोप्स पर खर्च किए। मैंने कुछ बोला कि तुम शादी के बारे में सीरियसनेस दिखा रहे हो, उन रॉयल्स को ये दिखा रहे हो कि हम भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मेरे पैसों का ऐसी वाहियात चीज़ों पर इस्तेमाल करना, बियर पीना, पिज्ज़ा खाना, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, ये तुम्हारे लिए कभी भी अलाउड नहीं था। 2 दिन पहले मैंने जो कुछ भी बताया था सब कुछ भूल गए? जेम्स वांग फिर से एक बार दहाड़ा। ठीक है, समझ गया, अगली बार से मैं अपने पैसों का इस्तेमाल करूंगा। ईबो भी तेज में आकर बोल गया। वांग ईबो, मेरे खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम प्रिंसेस के साथ उन पॉलिटिशियंस की मीटिंग में क्यों नहीं गए? सीधे सीधे वहां उसे छोड़कर चले गए? तुम सोच भी नहीं सकते वहां पर किस तरह के पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। तुमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। इस चीज़ का बिजनेस के लिए कितना फ़ायदा हो सकता था, लेकिन तुम्हें तो बस रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्ज़ा खाना था, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना था। जेम्स वांग ईबो पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। अब ईबो के लिए पानी सर से ऊपर जा रहा था। वो भी वापस चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस एक नॉर्मल सिटीजन की तरह रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्ज़ा खा रहा था। तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई वांग ईबो? मुझे एक रिपोर्टर का कॉल आया था, उसके दोस्त ने तुम्हारी रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ फ़ोटो क्लिक की है। जेम्स वांग चिल्लाया तो ईबो बोला, मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। ईबो गुस्से में होने के बावजूद जितना हो सके उतना अपनी आवाज़ नीचे रखने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत चिढ़ गया था। कम से कम शादी होने तक तो वो फ्रीली जी सकता है, पर इस इंसान से उतना भी नहीं देखा जा रहा है। अब जेम्स वांग ने शाओजान से पूछा, मिस्टर शाओ, रेस्टोरेंट में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं सर, हमने बस वहाँ पर पिज्ज़ा खाया और हम चले आए। वो लड़की मुझ में इंटरेस्टेड थी, ईबो में नहीं। वैसे भी ईबो का वहाँ पर दिखना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने कैप पहनी हुई थी, जहान ने रिपोर्ट किया। जेम्स वांग का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया, लेकिन इससे ईबो तो आग बबूला हो गया। उसके फादर उससे ज़्यादा शाओजान उसके बॉडीगार्ड पर बिलीव कर रहे थे और उस पर नहीं। ठीक है, इस पर कड़ी नज़र रखना, खास करके जब ये स्कूल में हो तब। वैसे मैंने प्रिंसिपल से कह दिया है कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन हाँ, तुम्हें खासकर लड़कियों को इसके आसपास मंडराने से रोकना है, जेम्स वांग ने शाओजान से कहा। यस सर, शाओजान ने जवाब दिया। शाओजान को जेम्स वांग जैसे पर्सन को फॉलो करना कभी भी पसंद नहीं था। जेम्स वांग ने ईबो की तरफ मुड़कर कहा, अपने बर्ताव पर ध्यान देना और अपने रेपुटेशन के बारे में एक पल के लिए भी मत भूलना। ये तुम्हारी मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। और हाँ, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, उस लड़की और उस पिद्दी पर मेरी अभी भी नज़र है। मेरे लोग अभी भी उसके घर के बाहर है, याद रखना। एंड यू मिस्टर शाओ, वो शाओजान की तरफ मुड़कर बोला, कल से मुझे आप दोनों में से एक आदमी हमेशा के लिए ईबो के साथ चाहिए। मैं आपके लिए रूम प्रिपेयर करवा देता हूँ। यस सर, शाओजान ने फिर से एक बार जवाब दिया। ईबो, तुम्हारे कमरे में जाओ, मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ किताबें रखी है, उसे ठीक से पढ़ लेना, जेम्स वांग ने कहा। तो ईबो पैर पटकता हुआ अपने कमरे के लिए निकला। शाओजान भी तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। कमरे में आते ही ईबो गुस्से से सभी चीज़ें उठाकर पटकने लगा। शांत हो जाओ ईबो, जहान ने कहा। तो ईबो चिल्लाया, शांत हो जाओ, क्या तुमने नहीं देखा अभी अभी नीचे क्या हुआ? फिर भी तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाओ? ईबो एक फ्लावर पॉट उठाकर नीचे फेंकते हुए बोला, मैंने देखा और मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन अपने कमरे को तबाह करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, जहान ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं 2 हफ्तों में म्यांमार के लिए निकलने वाला हूँ, भूल गए? इसलिए मुझे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक के लिए हर चीज़ के लिए मेरे फादर पे कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा ना, वैसे भी यहाँ पर मेरी किसे पड़ी है?
इसलिए मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ, इबो चिल्लाया। जानी इबो को रोकते हुए फिर से एक बार उसे शांत रहने के लिए बोला, पर इबो उस पर ही बरस पड़ा। तुम्हारा काम मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे ऑर्डर देना नहीं। चले जाओ यहाँ से, वरना इस रूम को डिस्ट्रॉय करने से भी ज़्यादा कुछ खतरनाक कर बैठूंगा मैं। पर जान ने इबो को नहीं जाने दिया, उल्टा उसे और ज़ोर से पकड़ लिया। इबो और भी फ्रस्ट्रेट हो गया। जाने दो मुझे, वो चिल्लाया। ठीक है, जान ने कहा और इबो का हाथ छोड़ दिया। इबो का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर पीछे बेड पर गिर गया। जान तुरंत उसके ऊपर आ गया और अपने हाथ से इबो के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये तुम क्या कर रहे हो, इबो गुस्से में बोला। तो जान ने कहा, तुम शांत नहीं हो रहे, इसलिए शांत करने का मेरा तरीका आजमाना पड़ेगा। फिर से एक बार इबो को एहसास हुआ जान अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसने उसके हाथ उसके सर के पीछे सिक्योर कर लिए थे और वो उसे किस करने लगा। इबो उसके पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था वो जान के जितना स्ट्रांग नहीं है, बावजूद इसके कि जान अपनी 100% ताकत नहीं इस्तेमाल कर रहा। जान इबो को रफली किस कर रहा था, लेकिन इबो ने अपने जबड़े टाइटली पकड़ लिए थे। जान के बाइट करने के बाद भी जब इबो ने अपने लिप्स नहीं खोले तो जान उसके लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर आ गया, जहाँ पर उसने धीरे से सक किया। नहीं जान का, रुको, इबो बुदबुदाया। अगर इस बाइट से निशान पड़ गया तो वो अपने डैड को क्या जवाब देगा। पर जान ने उसे आगे बोलने से पहले ही उसके लिप्स सील कर दिए और फिर उसे डीपली किस करने लगा। जान सही था, इबो का गुस्सा धीरे धीरे कम होता गया। वो इस बारे में भी सही था कि अगर एक बार इबो ने किस करना शुरू किया तो उसे आदत पड़ जाएगी। हाँ, उसे जान के किस की आदत पड़ चुकी थी। हाँ, ये बात अलग थी, वो अपने दोस्त का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या शादी से पहले वो थोड़ा भी एंजॉय नहीं कर सकता। वो सिर्फ किसी तो कर रहा है, किसी को जान से तो नहीं मार रहा। सोचते हुए इबो ने जान को किस करना शुरू किया। किसी भरोसेमंद दोस्त को किस करना इबो को सच में रिलीफ दे रहा था। उसे एहसास भी हो रहा था जान मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उसका मजाक बना रहा हो, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। सच में उसके सारे टेंशन दूर हो गए थे, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी लड़ाई थमती गई, वो शांत होता गया। उसने आँखें मूंद ली जब जान ने देखा इबो सो गया है, तब वो उठा। इबो को देखकर जान सोच रहा था, कल जब उस लड़की ने इसे किस किया था तब मुझे बहुत बुरा लगा था। ऐसा लगा था जैसे कोई मेरा हिस्सा काट कर मुझसे अलग कर रहा है। और जब आज उसके डैड ने उस पर गुस्सा किया, उसे कोने में धक्का दिया, इबो बहुत तड़प रहा था। इबो से भी ज़्यादा मैं तड़प रहा था। अगर उस वक्त मेरे दिमाग में कोई और बात नहीं चल रही होती तो शायद आज जेम्स वांग जिंदा नहीं होता। यस, कोई और बहुत ज़रूरी बात, मैं इबो के लिए सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर नहीं रखता, मैं उसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन शायद अभी इबो मुझे बस एक दोस्त के रूप में देखता है। अब जैसा हाउ शॉन कर रहा है वैसा ही मैं करूँगा। जैसे वो ऑफिसर को अपने प्यार में गिरने के लिए मजबूर कर रहा है, वैसे मैं भी इबो को अपने प्यार में पड़ने के लिए मजबूर करूँगा। मैं जानता हूँ उसके दिल में मेरे लिए 100% फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जब भी कोई मुझसे फ्लर्ट करता है इबो गुस्सा हो जाता है। अब बस उसे एहसास दिलाना बाकी है कि यही उसका प्यार है मेरे लिए। इबो को सोता हुआ देखकर जान को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज वो उससे भी आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन चलो ठीक है, शायद उसे अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जान ने खुद को होश में रखते हुए इबो के कपड़े बदले, उस पर ब्लैंकेट ओढ़ा दी और बेड साइड पर जो तो बुक्स रखी थी उसे उसने अपने साथ ले लिया, जिनके नाम कुछ ऐसे थे, हाउ टू लूज वर्जिनिटी एंड हाउ टू हैव सेक्स। जान अपने दांत पीसते हुए जेम्स वांग को गंदी से गंदी गालियां बक रहा था। फिर वो बोला, जेम्स वांग, तुम्हें अपने बेटे की वर्जिनिटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। उसे ऐसे घटिया बुक्स पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए इसे रहने देते हैं, क्योंकि जल्द ही एक बेस्ट टीचर से उसकी कोचिंग शुरू होने वाली है। अब वो इबो के कान में जाकर घुसफुसाया, इबो, उस प्रिंसेस को अपने आसपास मत भटकने देना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हें छूती है, तुम्हें किस करती है।
तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। पर उसे इबो की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में था। जान अब वांग मेंशन से अपने घर पर लौटा। उसने किचन में जाकर बियर की बोतल ली। शायद हाओशान आज भी घर पर नहीं था, शायद वो अपने टारगेट के पीछे था। पता नहीं अब तक ऑफिसर के मामले में उसने कितनी प्रोग्रेस की थी, जान सोचते हुए अपने रूम में जाने लगा। तभी उसे हाओशान का रूम ओपन मिला। सामने का सीन देखकर वो बिल्कुल दंग रह गया। तभी हाओशान ने मुड़कर देखा कि जान दरवाजे पर खड़ा है, तो हाओशान ने उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। जान सोच रहा था वो भी एक दिन इबो के साथ ये ज़रूर ट्राई करेगा। वो मुड़कर अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसने सुना, हाओशान याद रखना, मैं तुम्हारे अगेंस्ट सारी चार्जेस लगा दूंगा, पोवर्ट कहीं के जाने दो मुझे। तभी उसे ऑफिसर के जोर से मौन करने की आवाज़ आई। जान के कदम वही के वही थम गए। तभी उसने देखा ऑफिसर हड़बड़ाहट में हाओशान के कमरे से बाहर निकल रहा है। उसके कपड़े पूरे बिखरे हुए थे, शर्म से चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था, जैसे किसी बहुत खतरनाक डेविल ने उस पर अटैक किया हो। लेकिन वो फिर भी रुकना नहीं चाहता था। जितनी जल्दी हो सके ऑफिसर वहाँ से भाग गया। तुम बड़ी जल्दी घर आ गए, तभी उसे हाओशान की आवाज़ सुनाई दी। सॉरी, मुझे तुम्हारे लाइव शो का ऑडियंस बनना पड़ा, शाहजहान ने कहा। कम से कम रूम तो लॉक कर लेते या फिर बाहर कोई बोर्ड टांग देते, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ डिस्टर्ब मत करना, आगे से याद रखना, जान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ठीक है, हाओशान ने जवाब दिया। तो जान ने कहा, काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हो, मज़ा आया? तो हाओशान ने अपने लिप्स लिक करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा उसे मज़ा आया होगा। जान ने कहा, तुम्हें तो कभी ऐसे चीज़ों में यकीन नहीं था, फिर कैसे? हाओशान ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन ऑफिसर को देखो, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसी चीज़ें लगातार करते रहूँ। हाँ, ताकि वो तुम्हें हर बार गालियाँ देता रहे, शाहजहान ने कहा। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो एक दिन तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा? तो हाओशान ने कहा, नहीं, वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, शाहजहान ने चकल करते हुए कहा। बेचारा ऑफिसर, साक्षात डेविल उसके पीछे पड़ गया है, बेचारा बचकर जाएगा भी कहा। तो हाओशान ने कहा, सच कहा, वो चाहे कहीं पर भी छुप जाए, वो मुझसे बच नहीं सकता, और म्याम्या को तो मैं उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, उसे सिर्फ मैं याद रहूंगा, मेरे टचेस, मेरे किसेस याद रहेंगे। मुझे नहीं लगता, जान ने कहा। तो हाओशान ने कहा, देख लेना, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो जल्द ही मेरे प्यार में पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली पड़ेगा। हाओशान का कॉन्फिडेंस देखकर जान को उससे जलन होने लगी। जो हाओशान कर सकता है वो क्यों नहीं कर सकता? ऑफिसर सॉन्ग और ये वो एक जैसे ही है, धीरे धीरे अपने इमोशंस को समझते हैं। शायद उसे इबो की हेल्प करनी पड़ेगी जल्दी समझने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल हम हाओशान ने सॉन्ग जियांग के साथ क्या किया ये देखने वाले हैं। डोंट वरी, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत हॉट है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।